students of class 12th, today we are doing exercise number 4.2, question number 14. Question number 14 is also important. I told you earlier, question number 12, question number 13, question number 11, 9, 10, 14, these are all important questions, and these are almost always alternately asked in the examination, annual examination. So today's question is a square plus 1, determinant a square plus 1, AB, AC, AB, B square plus 1, BC, CA, BC, BC square plus 1 is to be found out that the value of this determinant on the left hand side should come out to be equal to 1 plus A square plus B square plus C square. This question is a bit complicated. So you have to do a lot of practice towards this question. Okay, it's for practice ki thoda avashyakta hai. ओके ए स्क्वायर ये हमने वही लिखा लेफ्ट हैंड साइड में जो है फिर ऑपरेट करेंगे कैसे यहाँ पर ए स्क्वायर है हम इसको ए स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे ए स्क्वायर इसमें से दबाए जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे ए से तो इसलिए आर वन को हमने ऑपरेट करना है ए आर वन देखिए यहाँ पर ए से करेंगे इसको मल्टीप्लाई फिर आर टू को करेंगे बी से मल्टीप्लाई फिर आर थ्री को करेंगे सी से ए बी और सी से मल्टीप्लाई ठीक है यहाँ मैंने बी लिखा है ये सी है सी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमको क्या मिलेगा यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई हो गए जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके उसका मतलब डिवाइड भी करना पड़ेगा ना ए बी सी अगर ऊपर लगाया तो नीचे भी इसमें लगाया तो नीचे भी ताकि इसमें कोई फर्क ना पड़े हो गए ये बन गया ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी ये बन गया ए स्क्वायर सी इसी तरह इसका ए बी स्क्वायर यहाँ पर बी क्यू प्लस बी बी स्क्वायर सी यहाँ पर बनेगा सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी क्यू प्लस सी ठीक है क्योंकि पहले वाले को आर वन को आप मल्टीप्लाई करते हो ए से सेकेंड रो यू आर मल्टीप्लाई बाय बी थर्ड रो यू आर मल्टीप्लाई बाय सी सो दैट इज़ वी गेट दिस डिटरमिनेंट अब इसमें से कॉमन निकालेंगे देखो अब कॉलम में से निकालेंगे कॉलम में से इसलिए मैंने बोला पहले ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए इसको याद करो प्रैक्टिस करो ए इधर से निकालेंगे बी इधर से निकालेंगे सी इधर से निकालेंगे कॉलम से ए से निकाला फ्रॉम सी वन टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम सी वन बी कॉमन फ्रॉम सी टू सी कॉमन फ्रॉम सी थ्री निकाल दिया नीचे तो डिनोमिनेटर में ए बी सी था ही अब ऊपर से भी कॉमन निकाल दिया इधर से ए निकाला तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन यहाँ से ए निकाला यहाँ बचेगा बी स्क्वायर हेयर ए निकाला सी स्क्वायर इसी तरह से इसमें से बी निकाला ए स्क्वायर बी निकाला बी स्क्वायर प्लस वन बी निकाला सी स्क्वायर इसी तरह से सी इसमें से निकाला तो ये आ गया अब देखेंगे आप यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो ए बी सी तो चला जाएगा दिस ए बी सी एंड दिस ए बी सी विल गो ये नहीं रहेगा ठीक है शायद वीडियो में नहीं आया अब मैं फिर एक बार और फिर दिखाता हूँ तो यहाँ पर ए निकाला आपने इधर कॉमन ए कॉमन निकाला ए स्क्वायर प्लस वन ए निकाला कॉमन तो बी स्क्वायर सी निकाला ए निकाला कॉमन तो सी स्क्वायर इसी तरह इसमें से बी निकाला कॉमन तो ए स्क्वायर बी निकाला कॉमन तो बी स्क्वायर प्लस वन बी निकाला कॉमन तो सी स्क्वायर इसी तरह से इसमें से सी कॉमन निकाल दिया टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम सी वन कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री से सी निकालना है कॉलम टू से बी निकालना है देन वी गेट दिस डिटरमिनेंट ये ए बी सी तो चला जाएगा ऑपरेटिंग आर वन अब आर वन पर ऑपरेट करेंगे देखिए क्या मिलता है हमको अगर इसको और इसको इसको प्लस करेंगे ना हम एक ही चीज़ मिलेगी इसको 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 प्लस करेंगे एक ही विल गेट ए सेम थिंग इसको 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 करेंगे एट सेम थिंग मिलेगा देखो ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस स्क्वायर ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस वन ये आ गया अब देखिए यहाँ पर ऑपरेट किया आपने आर वन पर इन दो को यू आर नॉट टचिंग दीज टू रोज हेयर ये दो रोज जो है इनको टच नहीं करना ठीक है ऐसे का ऐसे ही रखना है आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखो थोड़ा सा क्लू हमको मिलता है राइट हैंड साइड से भी देखो राइट हैंड साइड में भी यही लिखा है ठीक है तो इसका मतलब हम ठीक ठीक जा रहे हैं ये भी एक क्लू होता है यहाँ पर अब जाएंगे आगे हम इसको कॉमन निकालेंगे इसको निकालेंगे कॉमन यहाँ देखिएगा फिर एक बार इसको हम कॉमन निकाल देंगे इसका कॉमन निकालेंगे वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी वही है ये भी वही है इसको हम कॉमन निकालेंगे रो वन से हमने कॉमन निकाला यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या लिया हमने कॉमन किससे रो वन से शाबाश देखिए एक बार ठीक तरह से शाबाश जब ये कॉमन आपने निकाला देन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वहाँ रहेगा वन वन और वन ये दीज टू रोज वी आर नॉट टचिंग इनको हम टच नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑपरेट करने का मैंने बोला जब भी वन वन आएगा तो उनको माइनस करना है ये सी वन में वन है सी टू में वन है तो वन माइनस वन करेंगे यहाँ सी टू वन है सी थ्री वन है तो इसको भी माइनस करेंगे तो जीरो आएगा तो हमारा काम निकल जाएगा ये हो गया यहाँ पर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वन माइनस वन हो गया जीरो वन माइनस वन हो गया जीरो यहाँ पर इसको हमने टच नहीं किया कि वी आर ऑपरेटिंग ऑन सी वन एंड सी टू कॉलम वन और कॉलम सी टू टच कर रहे हैं सी थ्री नहीं कर रहे हैं टच तो यहाँ पर जीरो जीरो आया अब इसको खोलना है किससे खोलेंगे ये रो वन है रो वन के इससे खोलेंगे ये तो जीरो जीरो तो कोई मतलब ही नहीं बनता ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो गया यहाँ पर वन आएगा तो
इसको ब्रैकेट में भी आप रख सकते हो ऐसे वन, फिर क्या बचता है ये वाला डिलीट कर दो कॉलम, ये वाला रो या डिलीटिंग, देन वी गेट माइनस वन वन जीरो माइनस वन जी माइनस वन वन जीरो माइनस वन, ये हो गया वन प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ऐसे ही इसका इसके साथ माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका इसके साथ लेकिन माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस होता है ये माइनस होता है, वो माइनस जीरो वन इंटू जीरो हो गया जीरो, ये देखो वन माइनस जीरो, ये माइनस वन माइनस प्लस, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के साथ, तो हो गया वन माइनस जीरो, ये और ये हो गया प्लस वन, और ये हो गया जीरो लेकिन माइनस क्योंकि दूसरे के साथ माइनस लगता है प्लस और माइनस, वो ये तो हो गया वन, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी शैल गेट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही तो प्रूव करना था, हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर आ गए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हम कैसे करते हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल वी आर गिवन थ्री वर्टिसेस, हियर ट्राइंगल इज देयर, सपोज ये हमारे पास मैंने नाम नहीं रखा, रख सकते हैं यहाँ पर ए बी ओ सी, ए बी सी आर थ्री वर्टिसेस हियर, कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, ट्राइंगल के फिर वीडियो में नहीं आ रहा फिर मैं दिखाता हूँ, हियर इज अ ट्राइंगल ए बी सी द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, द स्पेस इनक्लोज्ड बाय दिस ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ डिटर्मिनेंट में वन बाई टू फॉर्मूला है, एक्स वन वाई वन वन पहला को ये जो है वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट्स, तीसरा वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट्स, और वन 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 का जो फॉर्मूला का है, इस ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस इक्वल टू वन बाई टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, एक्स वन वाई वन वर्टेक्स ऑफ ए, एक्स टू वाई टू वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी एंड एक्स थ्री वाई थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी, आगे ये फॉर्मूला आपने जबानी याद रखनी, अब जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट, सो हम आगे अब एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर आ जाइए, एक्सरसाइज नंबर 4.3, शाबाश, एक्सरसाइज नंबर 4.3 पेज नंबर 120 पेज नंबर है 120, शाबाश, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, अब इसके तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, सिंपल सिंपल सी फॉर्मूला लगानी है, नाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला, देखो 106043, अभी मैंने बोला था एरिया कितना होता है 1/2 एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, उसी तरह से यहाँ पर भी आएगा 101 101 601 601 431 431 11 फार्मूला का है, 1/2 फार्मूला का है, डिटर्मिनेंट ये है, एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ कॉलम सेकंड, अब इसको सेकंड कॉलम से करेंगे, क्यों, क्योंकि इस कॉलम में टू जीरोज है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इट बिकम्स ईजियर टू ओपन ओपन द डिटर्मिनेंट वैन वैन इन ए रो और ए कॉलम मैक्सिमम जीरोज आर देयर, यहाँ पर तो दो जीरो है ना, तो इसलिए आसान हो जाएगा, ये थ्री हो गया यहाँ पर, ये हो गया प्लस माइनस या प्लस माइनस ऐसे करके माइनस हो गया, 1/2 तो फॉर्मूला का है, ये हो गया माइनस थ्री, और ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ देना, बाकी क्या बचता है 1161 हो गया 1 माइनस सिक्स हो गया माइनस सिक्स, ये फॉर्मूला का माइनस दूसरे के साथ, ये प्लस होता है या माइनस होता है, माइनस सिक्स, ये हो गया माइनस थ्री बाई टू सिक्स में से एक निकाला हो गया माइनस पे, माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया फाइव थ्री हो गया फिफ्टीन बाई टू स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसका करेंगे, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का कितना आ गया, देखो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस जी, आसान सा इसी तरह से एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना बोला, वो भी फॉर्मूला हमने की थी उसी के हिसाब से, 1/2 -2 -3 1 -2 -3 1 3 2 1 3 2 1 -1 -8 1 में एक्सपेंडिंग विद द हेल्प ऑफ सी वन, अब कॉलम वन से इसको कर सकते हैं ओपन, किसी भी कॉलम से आप करो ओपन उसमें कोई कॉलम से करो ओपन या रो से करो ओपन कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो हम सी वन से करते हैं, देखो 1/2 ये भी यही बात भी आप सीख लो, हाँ यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस दिस टेक्निक ऑल्सो, -2 यहाँ पर ये और ये ड्रॉप कर दो, रो और कॉलम ड्रॉप कर दो, 2 1 इज देयर -8 1 इज देयर 2 1 इज देयर -8 1 इज देयर, देन सेकेंड वाले में आ जाइए आप, ये प्लस है ये माइनस है, -3 लिखा है हमने, फिर ये वाला रो कॉलम ड्रॉप कीजिए, ये वाला रो ड्रॉप कीजिए, वहाँ पर ठीक है 3 1 -1 1 3 1 -8 -1, ठीक है, उसके बाद क्योंकि -3 था ना यहाँ पर, C1 सेम करते हुए फिर माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया -1 लिखा, फिर ये ड्रॉप करिए -3 -3 1 2 1 2 1 इसको खोलेंगे, हो गया 1/2 बाहर रखेंगे, -2 ये 2 1 हो गया 2 ये यहाँ पर 2 ये 2 तो 8 8 2 हो गया 10 तो नहीं कैसे आ गया, अच्छा ठीक है -2 ये हो गया 2 1 हो गया 2 -- हो गया प्लस 8 8 2 हो गया 10 ये हो गया -3 यहाँ पर 3 3 हो गया 3 -3 -- प्लस 8 कितना बनता है -3 यहाँ पर है -+8 8 में से 3 कितना हो गया 5 लिख दिया ठीक है प्लस -1 है यहाँ पर 3 1 हो गया 3 -3 -2 हो गया -5 अब देखिए हो गया 1/2 10 20 हो गया 20 -5 3 हो गया 15 -+ हो गया 5 फिर इधर से बचता है -30 वो हो गया 2
215 इज़ अ 30 माइनस, तो माइनस 15 आ गया, लेकिन एरिया जो है एरिया इज़ नॉट काउंटेड एज ए नेगेटिव क्वांटिटी, एरिया नेवर कम्स आउट टू बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू 15 का आएगा यहाँ पर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 कितना होता है यहाँ पर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 इज़ प्लस 15, ठीक है ना, एरिया जो है, बट एरिया इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ पर हमको नेगेटिव मिला है तो इसको हम खुद बनाते हैं पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो एरिया कभी होता ही नहीं है, एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, देयर फॉर द एरिया विल टेक द पॉजिटिव साइन है, ठीक है, समझा गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक, तो एक एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गई तो बस फिर आप कर सकते हो, देखो फॉर्मूला ये वाली है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, अगर आप ये याद रख पाते हो तो फिर करना है, वर्टेक्स दिए हुए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, फिर इनको लगाना एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये जब निकाला इसको ओपन करेंगे वर्टेक्स ये डिटरमिनेंट की तरह, तो बस इसमें प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, ऐसे करके जाओ ऐसे करके जाओ ऐसे करके, जो आपकी मर्जी है, ठीक है, और इसमें माइनस वैसे होता है, अगर आप याद रखना चाहिए ये और ये माइनस होता है और ये भी प्लस माइनस प्लस, ये भी माइनस होता है और ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस, ये जो मैंने स्क्वायर जैसा बनाया ये सारे माइनस ही होते हैं, बाकी सारे प्लस होते हैं, लेकिन ये भी प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, इसी तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस, ये चौकड़ी जो हमने बनाई है चको, ये जैसा स्क्वायर जैसा रेक्टेंगल है, ये वाले सारे माइनस होते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको बाद में ये समझ भी आएगा, याद रखने के लिए बोला, नहीं तो आपको याद रहेगा ये इसके साथ प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, जैसे भी करो तो वो बराबर ही आएगा, ठीक है, आई फील दिस इज नाउ सफिशेंट, दिस मच इज सफिशेंट फॉर टुडे, आई विल स्टॉप हियर, थैंक्स थैंक्स अ लॉट.